विद्या की प्राप्ति की कामना हो तो विद्या कामस्तु गिरिशम, क्योंकि शंकर जी की डमरू से ही व्याकरण के 14 सूत्र निकले। विद्या की कामना हो तो शंकर जी की, और पति पत्नी में झगड़ा न हो कभी, खूब प्रेम बना रहे, अंतिम श्वास तक प्रेम बना रहे, इसकी कामना हो तो बोले दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता बनी रहे, लड़ाई झगड़ा न हो, तलाक की नौबत ना आवे, तब क्या करें? बोले दोनों को गौरी शंकर की उपासना करनी चाहिए। गौरी शंकर की उपासना में इतनी बड़ी महिमा क्यों है? बोले बागर्था विव संप्रक्तौ बागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। हाँ हाँ, क्या कहना, बड़ा भारी प्रेम है भगवान शिव और पार्वती में, भारी प्रेम। पार्वती जी कभी झगड़ा नहीं करती कि बताओ कैसे आप आदमी हो, एक मकान तक नहीं बना पाए, बट के पेड़ के नीचे बैठे भए हो, कपड़ा तक नहीं जुटा पाए अपने लिए, बताओ, झगड़ा नहीं करती कभी। प्राय माताएं झगड़ा करती हैं कि तुम कैसे आदमी हो, तुम ये नहीं कर पाए, तुम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। पार्वती जी कभी झगड़ा नहीं करती हैं। पार्वती जी तो हैं अन्नपूर्णा, सबको भोजन देने वाली पार्वती है, अन्नपूर्णा है, और शंकर जी मधुकरी मांग लाते हैं महात्माओं के यहाँ से, सीताराम राधे से हम आवाज लगा के खप्पर लेके मधुकरी मांग लाते, भिक्षा कर लाते हैं। झगड़ा होना चाहिए दोनों में कि नहीं? कि मैं अन्नपूर्णा हूँ, सबको भोजन देती हूँ, और तुम भीख मांगते हो, तुम दूसरी जगह भोजन करने जाते हो, भंडारे में खाने जाते हो, सदाव्रत खाने जाते हो, हमारी तो नाक कटती है। पार्वती जी कभी झगड़ा नहीं करती हैं, हम सबको खिलाकर संतुष्ट हैं, और आप संतों के हम मधुकरी खाकर संतुष्ट हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। ऐसा ही आप समझ लो जैसे भगवान शंकर कभी पार्वती जी के भी किसी काम में दखल नहीं देते, प्रसन्न रहते हैं। तुम जैसे राजी हो तुम वैसे रहो, भोले बाबा जैसे प्रसन्न हो वैसे भोले बाबा प्रसन्न रहते, पार्वती जी उनके व्यक्ति के जीवन में दखल नहीं देती, दोनों प्रेम से भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, झगड़ा नहीं होता है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।